आज जनता जनार्दन न्यूज 24x7 की टीम ने ज्योतिर एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन पोरवाल जी से की खास मुलाकात। ज्योतिर एकेडमी जनपद इटावा की विधानसभा भरथना में स्थित है। मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन पोरवाल जी पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। नितिन जी ने बताया कि कोविड महामारी के समय भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। नितिन जी ने कहा कि कोविड के बाद छात्र छात्राओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा रहे हैं। नितिन जी ने बताया कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। नितिन जी ने कहा शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में खो खो प्रतियोगिता में ज्योति एकेडमी की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया प्रदेश स्तर पर। साथ ही समस्त छात्र छात्राओं अभिभावकों शहरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आगे देखिए संपादक विनय के साथ कैमरामैन अमित की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज 24x7। आज बात कर लेते हैं, आज मैं आया हूँ इटावा जनपद के नगर पालिका भरथना में। भरथना में संचालित जनपद का सबसे संस्थान ज्योतिर एकेडमी में आज हमारे बीच उपस्थित हैं एमडी साहब नितिन पोरवाल जी। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच सर जी, मुझे बुलाने के लिए एंड मुझे समय देने के लिए अपनी बात जी। सर आपसे अब जानने का प्रयास करेंगे सर, जो अपनी ज्योतिर एकेडमी है इसमें किस क्लासेस तक की, किस स्टैंडर्ड तक की क्लासेस संचालित हैं। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मतलब क्या क्या फैसिलिटी हैं जो आपने अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, उसे प्लीज एक्सप्लेन करके बताएं। सर वी आर रनिंग अ सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल और हम पीजी क्लास से लेकर 12th क्लास तक अभी चला रहे हैं जी। हमारा सिंगल मोटो जो यहाँ पर है एजुकेशन के लिए, दैट इज मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन। व्हेन आई से मल्टी डायमेंशनल, व्हाट आई मीन इज अलोंग विद द एकेडमिक्स, हम पाते हैं बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है, वो कॉन्फिडेंस जो कि सिर्फ एकेडमिक से नहीं आता है, वो कॉन्फिडेंस आता है स्पोर्ट्स से, वो कॉन्फिडेंस आता है को करिकुलर एक्टिविटीज से, वो कॉन्फिडेंस आता है विद द राइट चूजिंग द राइट काइंड ऑफ हॉबीज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल लेटली आई हैड एन इंटरेक्शन विद ऑल द स्टूडेंट्स इन द असेंबली, तो बच्चों को न्यूज़ के लिए देखना, इंग्लिश न्यूज़ देखना, इसके लिए प्रेरित करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चला रहे हैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं वो बतना लोकल टाउन के ही होते हैं या विलेजेस के होते हैं, तो ऐसे में हम उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे। वो इंग्लिश कम्युनिकेशन सिर्फ बुक से नहीं इम्प्रूव हो सकता है, वो होगा एक एम्बियंस क्रिएट करने से। सो एक्चुअली वी एनकरेज देम टू वॉच इंग्लिश न्यूज़ रेगुलरली, ताकि सोशल उनके इंटेलेक्ट के साथ साथ उनका कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो। हम एनकरेज करते हैं उनको म्यूजिक में पार्टिसिपेट करने के लिए, टू अंडरस्टैंड ऑल द काइंड ऑफ राइट जॉनर्स ऑफ द म्यूजिक। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वो सोशल मीडिया से हटके उसका सही उपयोग कर सकें उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि म्यूजिक में भी उनके पास कितने प्लेटफॉर्म्स हैं। हम एनकरेज करते हैं, कई बार असेंबलीज में हम उनको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सुनाते हैं, ऐसे भजन सुनाते हैं या हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अलग अलग रागा से, या अलग अलग जो आर्टिस्ट हैं जैसे पंडित रविशंकर, उस्ताद राशिद खान, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, इन लोगों के म्यूजिक से इन्फ्लुएंस कराते हैं, से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो इन सब चीज़ों से बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है एंड दे डेवलप इन हायर लेवल ऑफ इंटेलेक्ट थ्रू दिस। हम बच्चों को गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 PTIs within our school. आपके स्कूल में 3 PTIs हैं जिसमें एक खुद की अपनी अकेडमी चला रहे हैं इटावा में और वो पुलिस की ट्रेनिंग के लिए बच्चों को शाम को जो है ट्रेन करते हैं। एक BPA टीचर हैं आपके स्कूल में इलाहाबाद से, वो योगा में स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों को रेगुलरली योगा करा रहे हैं। सिमिलरली सेल्फ डिफेंस के लिए हमारे पास एक फीमेल टीचर हैं इटावा से, वो ब्लैक बेल्ट हैं कराटे में, लड़कियों को खास तौर पे विशेष तौर से लड़कियों को वो कराटे सिखाते हैं, टाइकोंडो सिखाते हैं मैडम। तो जब बच्चे इन सभी चीज़ में एनकरेज होते हैं तो उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एट टाइम्स क्या होता है, जब बच्चे एकेडमिकली इवॉल्व हो रहे होते हैं तो एक बहुत छोटी सी चीज़ भूल जाते हैं, वो ये कि अपनी छोटी से छोटी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सही जगह पर एड्रेस करना, तो उसके लिए एनकरेज करना, टू गिव देम एन एम्बियंस, टू क्रिएट एन एनवायरमेंट अमंग देम। आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सही प्लेटफॉर्म पर रखना सीखिए और उसमें हिचकिचाहट ना रखिए, तो आई बिलीव हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुल रहे हैं वो एनवायरमेंट क्रिएट करने में। बच्चे खुलकर अपनी समस्याएं बता सकते हैं, चाहे फॉर एग्जांपल कभी उनके कमरे का अगर फैन ही स्लो चल रहा है तो उनके मन में हिचकिचाहट नहीं होती है उस इश्यू को कंप्लेन करने में, रिसेप्शन पर आकर जानकारी देने में देने के लिए। अगर स्कूल का आरोप ढंग से काम नहीं किया है
किसी एक दिन, तो वो तुरंत रिसेप्शन पे आकर कंप्लेन करेंगे, और अगर एक ही दिन में उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो नेक्स्ट डे इमीडिएटली आकर मेरे पास उसकी जानकारी देते हैं। जितने भी इंटर स्कूल मैचेस होते हैं स्पोर्ट्स के लिए, वहाँ पर हम एनकरेज करते हैं, बच्चों को भेजते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप पाएंगे एक चरण जो अपने यहाँ चलता है, दैट इज व्हाट्स एवर एक्टिविटीज वी हैव बीन कंडक्टिंग, उसमें वो रेगुलरिटी इसलिए भी नहीं आ पाती है क्योंकि उसमें गेस्ट का काफ़ी ज़्यादा वेट होता है। आपके स्कूल में मैं कह सकता हूँ लास्ट इतने मंथ से एवरी सिंगल वीक वी हैव बीन कंडक्टिंग ईदर ऑफ द टू एक्टिविटीज, कोई ना कोई दो एक्टिविटीज हम कंडक्ट कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस क्विज हो, साइंस क्विज हो, बैडमिंटन मैचेस हो, टेबल टेनिस हो। उसका बताया सर, ये को करिकुलर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हम रेगुलर बेस पे कराते रहते हैं, वो स्कूल के कैलेंडर्स में ऑलरेडी प्री प्लान रहते हैं। एट टाइम्स मुझे भी मॉर्निंग में आके पता चलता है दैट टुडे दिस इवेंट विल बी कंडक्टेड। In this way, maximum of the students, I can say more than 70 to 80% of the students get to participate in all the co-curricular and sports activities within the school. सर आपसे अब जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि अभी चर्चा कर रहे थे कोविड पैंडेमिक की, सर फर्स्ट वेव सेकंड जो वेव आई थी उस समय जो बच्चों की आपने जो आप बात कर रहे थे स्टूडेंट की जो गैप आया था, तो उस गैप को आपने कैसे कवर अप किया, या कोविड पैंडेमिक समय कैसे आपने कवर अप किया, कैसे अपने इंस्टीट्यूट को चलाया? सर दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करके इसका आंसर देना चाहूंगा। जो भी सर समस्याएं आई हैं, सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, जिस तरीके से उनकी गाइडलाइंस आई हैं, मेरा मानना है कि मोस्टली मेजर सभी समस्याएं रिजॉल्व हो सकती थी अगर उन गाइडलाइंस को सही तरीके से पढ़ा जाए, उनको समझा जाए और उनका पालन किया जाए, नॉट ओनली विद द मैनेज फ्रॉम द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव लेकिन अकेडेमिकली भी। तो हमने पीजी एलकेजी यूकेजी क्लासेस में सबसे ज्यादा इश्यूज रहे हैं कोविड के पैंडेमिक के दौरान में, बिकॉज दीज आर द स्टूडेंट्स जो कि एकेडमिकली ही नहीं सीखते हैं, वो सीखते हैं फ्रॉम द एम्बियंस दैट इज बीइंग क्रिएटेड विद इन द क्लासरूम। वो सीखते हैं कि जब एक समय पे एक साथ जब इंटरवल होता है वो सब लोग एक साथ लंच ब्रेक करते हैं, वो सीखते हैं डिसिप्लिन, वो सीखते हैं अपने आप को किस तरीके से कंडक्ट करना है जब एक लाइन बना के सभी लोग एक साथ हैंड वॉश करने जाते हैं, वो सीखते हैं जब देखते हैं मेरे सभी फ्रेंड्स काम कर रहे हैं तो मुझे भी इसमें एक्टिविटी पार्टिसिपेट करना है। एंड व्हेन द पेंडेमिक हिट, आप ऑनलाइन क्लासेस इन बच्चों के उस तरीके से नहीं चला सकते, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू गो स्टडी ऑनलाइन फॉर अराउंड 4 to 5 hours। तो ऐसे में हमने इनकी जो एक ऑनलाइन क्लासेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड रखी थी, एंड वी एंश्योर्ड इन छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस 1.5 hours से ज़्यादा के लिए एक दिन में कंडक्ट ना की जाए, और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड बनाया जाए, सो दैट दे आल्सो लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स देयर ऑनलाइन क्लासेस एक्टिवली एंड बी एंड फील एक्साइटेड टू मीट देयर टीचर ऑनलाइन। हमने इस दौरान में बच्चों को ऑनलाइन सैन फ्रांसिस्को का जू दिखाया था बच्चों को ऑनलाइन, दुबई का हमने बच्चों को एक्वेरियम दिखाया था लाइव क्लासेस में, तो उस तरीके की चीजों के माध्यम से पेपर क्राफ्ट एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को एंगेज किया था, और रिटन पार्ट के लिए गार्जियंस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि उनके रिटन पार्ट को रेगुलरली चेक कराया जाए, उनकी रिटन पार्ट के लिए ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को एंगेज ना किया जाए ताकि उनका मोबाइल का जो टाइम है वो मिनिमम रहे। और सर ट्रांसपोर्ट का आपके संस्थान का क्या सीन चल रहा है? सर ड्यूरिंग द पेंडेमिक वी वर वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग द सीटिंग, हम एक सीट पर एक बच्चे को लेते हुए आएंगे। आप पाएंगे उस दौरान में हमने बसेस में सभी बसेस में सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी रखी थी, और उसके लिए हम लोगों ने एक चेकबुक रखी थी, जब भी बसेस का सैनिटाइजेशन हो जाता था तो यहाँ पर एक चेकबुक में उसको टिक किया जाता था, उस पर ट्रांसपोर्ट इंचार्ज रेगुलरली साइन करते थे, और हमने क्लासरूम्स में भी सर सीटिंग का लिमिटेशन रखा था जहाँ पर एक बेंच पर सिर्फ एक सिंगल स्टूडेंट बैठता था, एंड टर्न बाय टर्न दैट इज ऑल्टरनेट डे में हम बच्चों के क्लासेस रन कर रहे थे। वी वर मेनली फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द एंटायर सिलेबस, ताकि बच्चों के कोर कॉन्सेप्ट्स मजबूत रहें। अब सर आपसे जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आपने देखा होगा पाँच या सात दिन से देखने को मिल रहा है कि कुछ लोगों में कोविड के न्यू सिम्टम्स मिल रहे हैं, इस दौरान आप अपने संस्थान में कैसे उस गाइडलाइन को फॉलो करवा रहे हैं, ऐसा कुछ? थैंक यू सर फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन अगेन। मैं आपको बताना चाहूंगा डेफिनेटली वी आर इन दिस सिचुएशन टू बी
वी प्रिपेयर्ड, हमारी गवर्नमेंट भी मॉक ड्रिल्स करवा रही है इसके रिगार्डिंग में, बट आई वुड लाइक टू लेट एवरीवन नो थ्रू दिस चैनल, आई कैन से वी मस्ट बी अमंग द वेरी फ्यू स्कूल्स जिन्होंने पिछले 2 सालों में कभी भी अपने स्कूल की गैलरीज से या किसी भी एकेडमिक ब्लॉक के किसी भी क्लासरूम के बाहर से सैनिटाइजर बॉटल्स और सैनिटाइजर स्टैंड्स नहीं हटाए हैं। पिछले 2 साल से मार्च 2020 से लेकर आज तक जयपुर एकेडमी की किसी भी गैलरी से किसी भी एकेडमिक ब्लॉक से सैनिटाइजर के स्टैंड्स या बॉटल्स नहीं हटाए गए हैं, और हर दिन एवरी सिंगल डे चेक किया जाता है दैट एवरी बॉटल सैनिटाइजर बॉटल इज फिल्ड एंड इज बीइंग वर्किंग प्रॉपरली। और सर आपसे जानने का प्रयास करेंगे सर, जैसा कि आपको भी अवगत है कि कुछ ही दिनों में, जैसे आज क्या 28 दिसंबर हो गया है, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, उसके बाद सर आपको भी पता है मकर संक्रांति, ऐसे बहुत सारे सर फेस्टिवल्स आ रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो स्कूल के पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते हैं, या नगर वासियों को, या जनपद वासियों को, देशवासियों को किस प्रकार शुभकामनाएं मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं यही कहकर शुभकामनाएं दे जान लेना चाहूंगा दैट आई जेन्युइनली बिलीव that we as a nation are the most powerful democratic and liberal nation in the entire world, and I can say this because मुझे इसको experience करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। 25th of December को हमारे school में Christmas celebrate हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था, red and white कलर के costumes में Santa के uniform पहने हुए बच्चे आए थे, सब Christmas celebrate कर रहे थे, school की morning assembly में भी Christmas celebrate किया गया था, morning assembly जब हो रही थी तो मैंने देखा सेंटा क्लॉस को गायत्री मंत्र गाते हुए देखा मैंने स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में। तो इससे खूबसूरत क्या हो सकता है, इससे ज्यादा पावरफुल और डेमोक्रेटिक नेशन कहाँ हो सकता है जहाँ पर हम हर त्योहार सेलिब्रेट करते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ में। सो दैट हैज बीन अ मोटो एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड वी जनरली बिलीव दैट वी एज अ नेशन आर द मोस्ट पावरफुल एंड द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड, और उसका श्रेय जाता है हर एक नागरिक को, और मैं पटना के हर एक नागरिक को आपके चैनल के माध्यम से इस नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आप देख रहे थे, हमारे साथ उपस्थित थे नितिन पोरवाल जी, ज्योत्री एकेडमी के एमडी साहब हैं। उन्होंने बड़े सरल स्वर से बताया कि जो भी उनके संस्थान की फैसिलिटी है आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, साथ ही साथ उन्होंने ऑल सिटी एंड ऑल पेरेंट्स विशेष हैप्पी न्यू ईयर, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया ट्रांसपोर्ट के साथ भी, खासकर उन्होंने जो स्टूडेंट के लिए खेल के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, वैसा कि आपने देखा हो, जैसा कि सर बता रहे थे टारगेट ऐसी भी बता रहे थे, जैसा कि मतलब वो क्या नाम है खो खो में जाके 64 में मतलब कि मैं पार्टिसिपेट की थी वहां तक सेमीफाइनल तक सर ज्योति अकेडमी की खो खो की टीम पहुंची है, जैसा कि सर वो फोटो भी अवेलेबल करा देगी। देखते रहिए न्यूज 24/7। धन्यवाद।